यहाँ पे बैठे हुए इंस्टीट्यूट बॉडी के मेंबर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल, थैंक यू। और दो चीजें मैं कहना चाहूंगा 3 मिनट में कि आज का दिन 20 फरवरी 2024 एक महत्वपूर्ण दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है और आप सब लोगों को जिंदगी भर याद रखने वाला दिन है। yes. इतने सुंदर आप पहले कभी भी दिखाई नहीं, चाहे स्टूडेंट्स इतना जोश मुझे आज तक किसी में कभी नहीं दिखाई दे जितना आज। और इस सब के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपको सब लोग बताएंगे कि इस इंस्टीट्यूट में इतनी बिल्डिंग्स हैं, इतना एकड़ जमीन है, इतने मशीन्स हैं, मोस्ट पावरफुल फैकल्टी है, ये सब मिलके एक संस्थान बना। लेकिन सक्सेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसे हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूट इज नॉट बिल्ड एट ए लेटर डेट व्हेन यू से इतनी मिट्टी लगी, इतने गारे लगे, लेकिन द इंस्टीट्यूट इज रिकॉग्नाइज बाय इट्स स्टाफ, फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स, एंड देयरफॉर यू विल प्रूव that whether this institute is of national importance, whether this institute is number one in the country, whether this institute is stand out in the globe. मैं फिर ये कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि आज एक बार अपने लिए ताली बजाइए। ताली बजाना में एक बड़ा महत्व है। हर ताली जो आपके लिए बजी, हर ताली जो आपने बजाई, ये आप खुद के लिए चैलेंज है। खुशी है लेकिन साथ में उससे बड़ा आपके लिए चैलेंज है कि ये ताली आपको जनता के द्वारा बार बार सुनाई पड़े। उसके लिए हमें और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बार बार आपको सुनाई पड़े। अभी आज से 5 साल बाद, आज से 20 साल बाद, जब कोई आप एक ऐसा काम करें, ऐसी रिसर्च करें, ऐसा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करें, ऐसा पेशेंट को ट्रीटमेंट करें कि वो यहां से बाहर नहीं जाए, और उसके लिए जब आपके लिए लोग ताली बजाएं, जब एक पेशेंट यहां से ठीक होकर जाएगा जो कि यहां से दिल्ली जाने से रुक जाए, वो जो ताली, एक ताली बजेगी, वो इन सब तालियों के बराबर है। और उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट को हमें अपना समझ के, अपना सारा स्वार्थ छोड़ के इंस्टीट्यूट पे 24 घंटे लग जाना पड़ेगा। और ये चैलेंज, ये हर ताली आप इसको रिकॉर्ड करके बार बार सुनिए जिंदगी में कि आपने ताली बजाई थी अपने लिए, आपके लिए लोगों ने ताली बजाई, और ये ताली एक चैलेंज है क्योंकि आपसे लोगों की अभिलाषा बहुत है। देश को प्रधानमंत्री जो आज यहाँ पे इसका उद्घाटन करेंगे, उनको, सारे देश को ये एक उम्मीद है कि हम इस संस्थान को, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को, इतने बड़े कैंपस को एक ऐसा संस्थान बनाएंगे जो कि न केवल टीचिंग में सबसे अच्छा होगा, न केवल रिसर्च में सबसे अच्छा होगा, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा, यहाँ के एक वरदान साबित होगा यहाँ के लोगों के लिए। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस जोश में आज आप हैं, वो जोश हमेशा कायम रहेगा। और ये एक सबसे बड़े सौभाग्य की बात होती है, जो पहले साल, पहले उद्घाटन में शामिल होते हैं, आपसे आने, आपके बाद जितने भी लोग आएंगे उनको यह अवसर नहीं मिलेगा। तो हम और आप एक सबसे बड़े भाग्यशाली लोग हैं। तो आइए हम सब अपने लिए और इस संस्थान के लिए, और खासतौर से इस संस्थान को बनाने में इंजीनियरिंग सेक्शन से लेकर के, यहाँ के लेबर से लेकर के, यहाँ के खासतौर से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे पीछे सफेद ड्रेस में, उनके लिए और जितने भी लोग हैं इनके लिए, आज के लिए और इनके भविष्य के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस, ऑल आर इंपॉर्टेंट डिग्निटीज, आवर ऑनरेबल आईबी मेंबर्स, ऑल द स्टाफ,
faculty, nursing officers, students, and all the people who have made this great day to achieve the today. We are standing here because each one of us have toiled to reach here. Whether it's CPWD, their officials, the engineers, the laborers, the Alwale construction, I don't think so any one of has been found wanting in whatever our director sir has guided or our honorable ID members have directed to make this institute number one. Do you agree? Yes, sir. You are not hearing? Yes, sir. How is the Josh? Hi, sir. Not heard? Hi, sir. No. How is the Josh? Hi, sir. Better. So, now I feel here, though we have reached a day, that is the tilting point from where we have to start our journey now, in a different direction. We all may come here, start our work, but now is the time to actually show what is lies inside us, what are our capabilities, what we are waiting for. I think a lot of faculty members have not got the opportunity to work in that direction in their field. And they have been really grateful. I am personally, as a DD admin, I can assure you, the amount of time which they have utilized in addition to teaching the students, in learning the skills which they were not actually knowing earlier. I am really, Jai Hind to all of them. For all the faculty, nursing officers, students, all my staff here, whether regular, whether outsourced, my sanitary people, my housekeeping people, my security, they have been wonderfully participating in each and every event. I have seen times where people have left late in the night at 12 o'clock. There have been times when the first intros were conducted for regular faculty finishing at 12 o'clock under the director, with Chairman Rajesh sir and Dr. Rajesh and our director as a member secretary. So we have seen this thing growing here. Now is the time to put in that it goes further higher. The balloon has been left. Now we have to see how our energy makes it blow in the wind and bring laurels to this Institute of National Importance, because we are all part of it. I also wish all the best of luck to all of us for a new beginning and achieve greater heights and laurels. I am sure, I am very hopeful that the day will be there when AIIMS Jammu will be called as, if I keep AIIMS New Delhi as number one, at least number two in the country, in all the departments. I think we can have a great number of applause. I also look forward our young, energetic, beautiful students, MBBS students. I am sure when the first batch passes out, they will be going into very big colleges for their post-graduations and bringing laurels to our this AIIMS Jammu. And I'll be very happy if all of us, all the students who pass out are selected in their first attempt in whatever PGs they want to do in their life or develop their careers. And we will etch their request, sir, to etch their names in golden letters in our institute in one of the wall of honors. So with this, I want to thank everyone for giving me wonderful support to the DD admin, what is affected. Whether it's the admin officer, my account section, everybody has been wonderful, sir. Thank you very much. And Jai Hind. Thank you, sir. और फख्र होता है ये कहते हुए हंस के दी रहे मोदी जी कि हम जम्मू वासियों को, हम जम्मू कश्मीर वासियों को मोदी की इस गारंटी का विश्वास आज से 11 बरस पहले हो गया था। याद कीजिए दिसंबर महीना, अरे मोदी जी बोल रहे, यही स्थान इसी तरह की विशाल रैली, ललकार रैली को संबोधन किया था श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभालने से पहले। और उनके शब्द मुझे भली भांति याद है। आपने कहा था क्या यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण करने का अधिकार नहीं, क्या यहाँ IIM नहीं होना चाहिए, क्या यहाँ IIT नहीं होना चाहिए। और आपने उस गारंटी को निभाते हुए आज आप ही के शुभ हाथों से यहाँ के युवाओं को IIT भी मिलने वाला है, IIM भी मिलने वाला है। मोदी की गारंटी के आगे कोई और गारंटी नहीं। और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आप तो प्रोडक्ट खरीदते हैं ये मोदी वाली गारंटी है, हमें संबोधित किया था। और इसलिए जब आप हैं तो हमें भी आपको ये आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की इस विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब, प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ
समर्पित होने को तैयार है। ये तो हमारा नहीं है। लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। 380 करोड़ रुपए की लागत से बने IoT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहाँ तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद है। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। तरंगे पे डुग्गर दी कवित्री पद्मा सचदेव ने आखे दाए मिट्टी डोगरिया की बोली मिट्टी डोगरिया बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। लेकिन मैंने आपको यहाँ जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं, उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार। जनता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 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 Later. तो फ्रेंड्स, इनॉग्रेशन हो चुका है ऑनरेबल PM जी के द्वारा और अभी जो है ऑडिटोरियम के का सारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है तो हम लोग बाहर आ गए हैं। ये वही कन्वेंशन हॉल की बिल्डिंग है और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन भी हुई है जैसे कि आप देख ही पा रहे हो और सभी लोग अभी अपना बातें कर रहे हैं। और चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहां का लुक दिखाती हूं कि यहां पे क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स हैं जिनकी कीमत लाखों में है और ये देखिए ये है वो पेंटिंग्स। एक ये है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है ये। और यहाँ पे और भी कुछ पेंटिंग्स हैं, आर्ट है जो कि स्टूडेंट और डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई है। नर्सिंग ऑफिसर्स की भी है, ये मुझे नहीं पता है बट जिनके मैंने नाम देखे तो मैं उनको जानती थी। तो इस तरीके से मतलब सबको अपनी अपना टैलेंट शो करने का मौका दिया गया है। और यहाँ पे अभी हम रिफ़्रेशमेंट के लिए जा रहे हैं क्योंकि गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर्स की, नर्सेस की, स्टूडेंट्स की, तो सबके लिए अलग अलग अरेंजमेंट है। ये एकेडमिक ब्लॉक है जहाँ पे MBBS और मे बी नर्सिंग की तो नहीं, सिर्फ MBBS की क्लासेस होंगी। तो ये वो बिल्डिंग है तो यहीं पे हमारा रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट है। तो चलिए फिर उधर चलते हैं। अब इनॉग्रेशन हो चुका है और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं रिफ़्रेशमेंट के लिए। सभी को अलग अलग डिवाइड किया है, तो नर्सिंग ऑफिसर्स का जो मैंने बिल्डिंग दिखाई इसमें है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या चीज़ें हैं क्योंकि अब भूख भी लग चुकी है। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ी सी मुश्किल हुई है
लेने में, बट ठीक है मिल चुका है सारी चीज़ें जो जो भी आइटम थे। ढोकला है मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने दो पीस लिए हैं, और फ्राइड इडली थी, पकोड़े थे, चटनियाँ थी खट्टी मीठी, और एक कॉकटेल समोसा था, सैंडविच थे, कॉफ़ी थी, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, तो एक एक करके आपसे मिलवाती हूँ। और चलिए सबसे बताइए आप खाना कैसा है? कैसा खाना है? आप चलो आप बताइए, आप बताइए कैसा खाना। कविता मैम आप बताइए। चलो आप इसी में गुजारा कर लीजिए, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स ये था हमारा आज का इनॉग्रेशन डे, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, प्रोग्राम फिनिश है और अभी सारे लोग जो है घर जा रहे हैं, तो बस हम लोग भी निकल रहे हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो सर, जा रहे हो? मुकेश सर, नरेश सर, हाँ जी अब जा रहे हैं। ये है नरेश सर, सबके बस रील्स फोटोज वीडियोज बन रहे हैं। नहीं हस्बैंड आ रहे हैं। हाँ पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।